नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग गाइस? ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के यूट्यूब चैनल में। और हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लेयर सबके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं गाइस PSL मैच नंबर 25 की, जिसमें एक तरफ है पेशावर जर्मी तो दूसरी तरफ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो बात करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त T20 लीग PSL चल रहा है, टूर्नामेंट का लास्ट स्टेज चल रहा है। यहाँ से कुछ टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब है, तो कुछ टीम्स टूर्नामेंट से बाहर होने वाली हैं। इस लीग में टोटल 6 टीम्स हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 25th मैच की, जिसमें एक तरफ है बाबर आजम की पेशावर जर्मी तो दूसरी तरफ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दोनों टीम्स टॉप 3 में है और यह मैच 8 मार्च को रुवाला पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो वेदर क्लाउडी रहेगा, रेन चांसेस 9% रहेगा, ह्यूमिडिटी 72% रहेगा और टेम्परेचर 12 डिग्री रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें गाइस, तो विनिंग परसेंटेज की एनालिसिस की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 62%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 38%। एवरेज स्कोर पर ध्यान दें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 207 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 191। दोस्तों, बात करते हैं हेड टू हेड लास्ट 10 मैचों में, तो पेशावर का हुआ है 7 और क्वेटा का हुआ है 3। दोस्तों, अब चलते हैं आगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स शॉर्ट एनालिसिस की ओर। तो टीम ने पहले 3 मैच में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का अच्छा स्टार्ट किया। अब तक टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, 4 जीत और 2 हार के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है। लास्ट गेम में टीम कराची से हार गई थी। साउथ अफ्रीका के बैटर विली रॉसो टीम की कैप्टन है और टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओपनिंग में जसोन राय एंड सौद शकील है। जसोन राय 6 मैच में 250 रन बनाकर टीम की लीडिंग रन स्कोरर रही हैं और सौद शकील ने भी 32 रन के एवरेज से 197 रन बनाई। और मिडिल ऑर्डर में ख्वाजा नफी और कप्तान रसो फ्लॉप चल रहे हैं और लोअर ऑर्डर में सेफेन रुथरफोर्ड एंड सरफराज अहमद हैं। और बॉलिंग में टीम स्ट्रांग दिख रही है, मोहम्मद अमीर लास्ट लाइन लेंथ को सही से यूज कर रहे हैं। सोहेल खान एंड मोहम्मद वसीम लास्ट गेम में ड्रॉप थे और अकील हुसैन एंड और अबरार अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में हैं। अबरार तो 11 विकेट के साथ लीडिंग विकेट टेक कर रहे हैं। और क्वेटा प्लेइंग आर्डर की बात करें, जसवंत राय है, सौद शकील, रिली रसो, फौजा नफसी और शेरफिन रुथरफोर्ड, मोहम्मद वसीम, सरफराज अहमद, अकील हुसैन, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद और मोहम्मद अमीर। अब दोस्तों, बात करें कि प्लेयर्स की, तो जसवंत राय जिन्होंने 6 की इनिंग में खेली है, इन्होंने रन बनाए 250, इनका एवरेज स्कोर है 35। सौद शकील की बात करें, जिन्होंने 6 की इनिंग खेली है, इन्होंने रन बनाए 127, इनका एवरेज स्कोर है 32। अबरार अहमद की बात करें, जिन्होंने 6 की इनिंग खेली है, इन्होंने विकेट लिए हैं 11। अब दोस्तों, चलते हैं पेशावर की ओर। तो पेशावर शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो बाबर आजम की टीम ने जबरदस्त कम बैक किया और 4 मैच जीते हैं और टीम 9 पॉइंट के साथ टेबल में नंबर 3 पर है। और टीम के कैप्टन बाबर आजम हैं, जो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। अब तक 7 मैच में 394 रन बनाए हैं। ओपनिंग में शाइम अयूब एंड बाबर आजम की जोड़ी है, दोनों इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। फिनिशिंग के लिए रोमन पोवेल एंड और आसिफ अली हैं। रोमन ने 7 इनिंग के साथ में 156 रन बनाए हैं और बॉलिंग में टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है और महराज ममतराज और ममताज को भी टीम ने लास्ट गेम में चांस दिया था। और इंग्लैंड की लूक वुड ने 5 मैच में 7 विकेट लिए थे और अफगानिस्तान के रोमन और नवीन उल हक एंड सलमान इरशाद आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं और अमीर जमील लाइन लेंथ में बॉलिंग कर रहे हैं और अरीफ यकूब 8 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेक कर रहे हैं। पेशावर प्लेइंग आर्डर की बात करें, स्वयं अयूब, बाबर आजम, हसन बुल्ला खान और कोहलीर, कैडमोर और रोमन पोवेल और आसिफ और अली और नवीन उल हक, सलमान इरशाद, अरीफ यकूब, लूक वुड और अमीर जमील। की प्लेयर्स की बात करें तो बाबर आजम, जिन्होंने 7 की इनिंग खेली है, इन्होंने रन बनाया है और 395, इनका एवरेज स्कोर है 65। सोएब अबी की बात करें कि जिन्होंने 7 की इनिंग खेली है, इन्होंने रन बनाए 222, इनका एवरेज स्कोर है 31। अरीफ यकूब की बात करें, जिन्होंने 4 की इनिंग खेली है, इन्होंने विकेट लिए हैं 8। तो दोस्तों, बात करते हैं अब ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की। विकेट कीपर है सरफराज अहमद, मोहम्मद हरीस और बैटर है बाबर आजम, जसवंत राय, टॉम कोहलीर, कैडमोर, अरिली रसो, ऑलराउंडर
रोमेन ऑलराउंडर की बात करें जो है कि रोमेन पोवेल एंड सौद शकील अमीर, और जमल बॉलर्स की बात करें मोहम्मद अमीर एंड मोहम्मद वसीम। प्रेडिक्शन की बात करें दोस्तों, तो रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए और दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 को देखते हुए मैच का विनर पेशावर जर्मी हो सकता है। तो क्रिकेट से जुड़ी अनेक खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज।